Boom, boom, boom. Hello and welcome live with Freddy, episode 14. आज हमारा episode 14 है और आज हम फिर कुछ नए धमाकों के साथ जो है वो हाजिर हुए आप लोगों के लिए. और आज के जो मेरे special guest हैं वो हैं none other than the demon. जी, आज जो है मेरे साथ demon जो है वो guest होंगे और आज फिर हम जो है वो कुछ topics जो हैं वो उस पर बात करेंगे. और आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं ऑलवेज जैसे आप क्वेश्चंस पूछते रहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आज भी जो है आप अपने क्वेश्चन ज़रूर आए होंगे. तो क्वेश्चंस पूछें, मुझसे पूछना है मुझसे पूछें और डीमन से पूछना चाहते हैं तो डीमन से पूछें. और जो जो आ चुका है वो काइंडली कमेंट में हैंड अपना रेस करें ताकि जो है मुझे पता लगे आप लोग आ गए हैं लाइव मेरे साथ, वरना तो मैं यहाँ अकेला बैठ बैठ के जो है वो बोर हो जाऊंगा. तो मैं चाहता हूँ आप लोग जल्दी से आ जाओ जल्दी से. ओके. अच्छा मुझे ये बताएं कि कल जो सेशन था फिलबेन मेरे जो है वो कल कितने गेस्ट थे मेरे साथ? फिलबेन, जॉर्डन, शेखान, लुगारी एंड मी, चार गेस्ट और एक मासूम होस्ट. कल का जो है वो शो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा. और जो है वो आपके कमेंट्स मुझे बता रहे थे कि आप लोग जो है वो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन सॉरी मैं कल जो है वो आपके जो क्वेश्चंस थे वो पूछ नहीं पाया. बिकॉज के गेस्ट जब ज़्यादा होते हैं तो हम लोग की बातों के बीच में मैं जो है वो जानना चाहता क्योंकि उस टाइम सम सीरियस मैटर जो था वो बात उस बात पे हो रही, इसलिए मैंने क्वेश्चंस नहीं पूछे, इसलिए मैं सॉरी कहता हूँ. और एंड में मैंने जो है वो क्वेश्चंस लिए थे थोड़े से, तो मैं चाहता हूँ जो है वो लोग आप लोग आए जो क्वेश्चंस थे कल वाले आज वाले थे मुझसे पूछे. आपका होस्ट आरजे फैरी जो है वो आपको आपके जो आंसर्स हैं वो आपको देगा, क्वेश्चंस का आंसर देगा. ठीक, इसीलिए मैं आया हूँ आपके पास. एडम ने हमें ज्वाइन कर लिया है एंड कह रहे हैं सलाम एंड गुड लक. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू. क्या कह रहे हैं? ये यार आपका कैमरा लैग कर रहा है. Really? मुझे देखने दे कि मेरा कैमरा लैग कर रहा है. अगर कर रहा होगा तो मैं वापस जाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर कैमरा उम्मीद है ठीक हो जाएगा. हाँ really, ये तो लैग कर रहा है. अब मुझे बताएं कि अब मैं ठीक आ रहा हूँ या अभी भी जो है वो कैम्प लैग कर रहा है, मुझे सर कमेंट्स में बता दें. ठीक है, अब ठीक है. आई हैव प्रूफ. मैंने जो है वो चेक कर लिया, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपके जो मोबाइल के अंदर जो लाइव स्ट्रीम चल वो ठीक आ रही है, सही चल रही है या नहीं, उसका भी हल हम बताएंगे आपको. जी हम, हाँ अच्छा मुझे बताएं कि कल वाला सेशन किस किस ने एंजॉय किया और किसने नहीं, और आज के सेशन के लिए कौन कौन एक्साइटेड है और नहीं है, कौन नहीं है, कौन नहीं है. और आप लोग देख रहे हो कि मेरी जो है वो तबीयत पहले से बेटर हो गई है, तो अब आपका अपना आरजे फैरी आपके सामने कुछ मस्तियों के साथ कुछ तफरियों के साथ जो है वो सेशन को करेंगे. और उम्मीद है कि आप लोग के क्वेश्चन जो हैं वो रुकेंगे नहीं,
हमेशा की तरह आपके क्वेश्चन जो है वो इतने हो जाते हैं, चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप पूछें ताकि मुझे आंसर करने में मसला हो, पर मैं फिर भी करूँगा, मैं फिर भी करूँगा। और जो मुझे नहीं जानते, जो जिनने फर्स्ट टाइम स्ट्रीम को जो है वो ज्वाइन किया है, उन्हें मैं बता दूँ, आई एम योर होस्ट, आई एम टू टाइम चैम्पियन, टू टाइम हार्ड कोर चैम्पियन एंड द फर्स्ट एवर 2080 प्रो रेसलिंग के विनर एट एक्सपो सेंटर, एंड आई एम अ प्रोफेशनल रेसलर ऑफ प्रो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। और ये मेरा लाइव सेशन जो है पिछले कुछ 14 डेज से जो है वो रोज चल रहा है, और उम्मीद है कि आगे भी चलता रहेगा इंशाल्लाह। और दुआ है कि जल्द से जल्दी जो है ये क्वारंटाइन जो चल रहा है, ये कोरोना वायरस का जो सीन चल रहा है, ये ख़त्म हो जाए, ताकि सब ज़्यादा सब परेशान है, काम हम बंद है। तो मैं चाहता हूँ कि ये, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे ना चाहने या चाहने से क्या होगा, लेकिन मेरी दुआ है कि ये क्वारंटाइन और कोरोना वायरस जो है वो जल्दी ख़त्म हो, ताकि हम लोग अपने काम पर वापस जाएं। हम लोग अपने एकेडमी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसलिए मैं जो है वो रोज़ अपना सेशन यहाँ आके करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं जो है वो एक या दो घंटे जो आपके साथ बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं एकेडमी के अंदर ही और एज यूजल फीलिंग कर रहा हूँ, या हम कुछ मूव्स वगैरह हैं, कुछ सीन ऐसा चल रहा है, या शूट चल रहा है, कुछ ऐसा सीन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं वो कर रहा हूँ, तो अपनापन सा फील होता है, तो मज़ा आता है मुझे। और मैंने जो है वो सेशन थोड़ा शॉर्ट कर दिया है आजकल, क्योंकि मैंने कि आप लोग बोर हो जाएं और आप लोग चले जाएं, मैंने सेशन जो है वो ऑलमोस्ट एक घंटे का कर दिया है। रोज़ 10 बजे आप मुझे एक घंटे के लिए आपके अपने मोबाइल स्क्रीन पर, हमारे पेज पे मुझे रोज़ लाइव देखेंगे विद न्यू गेस्ट, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आता होगा। कौन कौन मुझे देख रहा है कर दें, ताकि मुझे पता लग जाए कि कौन कौन आ चुका है और किस किस ने ज्वाइन कर लिया है, बिकॉज मैं सिर्फ व्यूवर्स देख रहा हूँ यहाँ से, मुझे पता नहीं लग रहा कौन कौन। प्रेजेंट लगाएं, प्रेजेंट कमेंट्स में से हाय हेलो हेलो करके जाए। और इसी के साथ फिर से लाइक आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बार बार मेरी स्क्रीन लैग क्यों कर रही है, क्योंकि मैंने साथ में ये मोबाइल रख लिया अपने, मुझे पता लगता रहे कि स्क्रीन सही आ रही है, मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है या फिर जो है नहीं आ रही, तो ये चीज़ अच्छी है कि मैं जो है देख सकता हूँ कि मेरी स्क्रीन सही चल रही है नहीं। अच्छा, मुझे आप लोगों ने बताना है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है वो सीन ऐसा करूँ कि वीकली शोज और मैं व्लॉगिंग का जो है वो सोच रहा हूँ कि मैं व्लॉगिंग करूँ। मुझे बताएं कि आप लोग चाहते हैं क्या मैं व्लॉगिंग करूँ या नहीं। अगर आप चाहते हैं मैं व्लॉगिंग करूँ, तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट बताएं, इंशाल्लाह अगर आप जो है वो चाहेंगे कि मैं ब्लॉगिंग करूं, तो ज़रूर मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा, और फिर आप जो है वो मुझे ब्लॉग के ज़रिए भी देखते हैं। लाइव सेशन तो चलते रहेंगे, लाइव सेशन जो है वो तो इंशाल्लाह अल्लाह ने जब तक ज़िंदगी दी ये लाइव सेशन चलते रहेंगे, और आप लोगों के साथ मैं इस तरह बात करता रहूँ, कुछ भी हो जाए। तो मुझे ज़रा कमेंट में बताएं, ज़रूर बताएं कि क्या चाहते हैं, और मैं अपने गेस्ट को लाइव लेके आऊँ, कब लाऊँ, किस टाइम लाऊँ, ये ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जो है वो मेरी स्ट्रीम के अंदर
जो है वो जितने भी ज़्यादा गेस्ट होते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और मैं बता दूं कि इंशाल्लाह इसी तरह नए नए गेस्ट जो हैं वो आते रहेंगे मेरे शो के अंदर, मेरी ब्रॉडकास्ट के अंदर, और आप लोग इंजॉय करते हैं। ये सब कुछ जो है वो सब आप लोगों के लिए ही हो रहा है, और आप लोग इंजॉय करें इस क्वारंटाइन के सीन में, तो इसलिए जो है वो सेशन चल रहा, ओ आई एम सॉरी, सेशन चला रहा। अच्छा, आलम मंसूर ने हमें ज्वाइन कर लिया है, वो कह रहे हैं क्या मत करूं ब्रदर, नीचे मेंशन जरूर करें कि मैं क्या स्ट्रीम मत करूं। यासर अली परवेज ने हमें ज्वाइन कर लिया, यासर अली परवेज कह रहे हैं फाइनली फाइनली फैरी इज बैक, थैंक यू। हाँ हूँ, कौन है ये, कौन है कौन है कौन है, कमेंट आओ। नहीं आ रहा, वाह, यहाँ से रिल प्रवेश कर रहे हैं मिस ह्यूमैन। जी बिल्कुल, मुझे लगा कल भी यही सीन हुआ, मुझे वो कमेंट्स में ऐसा लग रहा था कि आप लोग मुझे मिस कर रहे हैं, तो मैंने जो है वो फिर मुझे अचानक आना पड़ा, क्योंकि अपर मैनेजमेंट जब कहती है तो हमें आना पड़ता है, और मुझे तो वैसे भी आना पड़ता क्योंकि आप लोग वेट कर रहे थे, आप लोग चाह रहे थे कि मैं आऊँ, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। थैंक यू, आप लोग मुझे मिस कर रहे हैं। आलम मंसूर कह रहे हैं बैकग्राउंड क्यों चेंज हो गया, बैकग्राउंड इसलिए चेंज हो गया, अम्मी कह रही है वो अब धोना है, धोना भी होता है यार, गंदा हो गया, धोना है, धोना जरूरी है। यासर अली परवेज कह रहे हैं हाउ इज द हेल्थ नाउ, देख सकते हैं आप मेरी आवाज़ होती जा रही, वापिस आ रही है, और मैं अब बोल भी पा रहा हूँ, चिल्ला के बोल सकता हूँ हेलो, और इस तरह मुझे पता है कि आज मैं थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हूँ लाइव स्ट्रीम के अंदर, थोड़ा तफरी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है, उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आ रहा हो, और दुआ करें कि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँ, उसके बाद जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि मैं जो है ये स्ट्रीम को आप लोगों के लिए जो है वो इंजॉयबल बना सकूं, ताकि आप लोग इंजॉय कर सकें। बाय द वे एक चीज़ मैं दिखाऊँ आप लोगों को, एक चीज़, ए, 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 ये देखो, चेक करो भाई की मर्च, ओ, ये मर्च चेक कर रहे हो, मर्च 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 मर्च, हमारे भाई ने जो ना वो ये मर्च इंट्रोड्यूस करवा दी है, जिसको भी चाहिए पाकिस्तान के अंदर तो वो जो है वो बाय कर सकता है ये मर्च, आपके भाई की अपनी मर्च है, रेसलिंग की जो है वो मैंने अपने पेज पे भी इंट्रोड्यूस करवा दी है, जिसे ये बाय करनी है वो मेरे पेज पे जाके ऑर्डर कर सकता है, और जो है आपका भाई हाजिर है, आपको जो है वो बिल्कुल ये जो है मर्चेंडाइज आपको पहुंच जाएगी। और मैं वो जो है अभी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ऑलमोस्ट दो तीन तरीके की मर्चेंडाइज जो है वो आप लोगों के लिए निकाल, ताकि आप लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और वो पहन के मजा फील फील आए फील आए फील आए। आला मंसूर कह रहे हैं आर्टिक को ले आओ, आर्टिक को ले आए, आर्टिक को कैसे ले आए, आर्टिक जो है वो मैं आपको, एक साइड स्टोरी है मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, कि लास्ट टाइम जो हमारा WWC इवेंट हुआ था वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियंस के नाम से, उसके अंदर एक मैच था, बहुत बड़ा मैच था, आर्टिक माइट वर्सेस अल्बर्टो डेल रियो, बरीड अलाइव मैच, उसके अंदर जो है वो अल्बर्टो डेल रियो जो है वो जीत गए थे, और आर्टिक माइट जो है वो बरीड हो गए थे, तो उसके बाद से आर्टिक माइट जो है वो पत्नी कहाँ है, मर चुके हैं, जानू में जा चुके हैं, कहाँ जा चुके हैं कुछ पता नहीं, क्योंकि वो उनका कुछ पता नहीं है, वो ठिकाना जो है वो है कहाँ और कहाँ रहते हैं। कैश पिकासी ने भी ज्वाइन कर लिया, कह रहे हैं लाइक योर हेयर स्टाइल लाइक दैट मच बाय नाउ, ओ थैंक यू ब्रदर, थैंक यू फेला। यासली परवेज कह रहे हैं आई हेट पांडा, नो ब्रदर नो, हेट 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 मत करें, हेट मत करें, मेहनती बच्चा 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 नहीं कहेंगे, मेहनती है, बहुत बहुत मेहनत की है उसने स्टेज तक पहुंचने में, और मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे होते हुए जब मैं मुझे कुछ ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके थे शायद, मैं जब
ट्रेनिंग कर रहा था, तो उस टाइम पांडा ने जो है वो ज्वाइन किया था, तो उस टाइम से लेकर अब तक का स्ट्रगल मैंने देखा है उस बंदे का, तो यार बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करता है वो बंदा, और मैं पर्सनली उसे लाइक भी करता हूँ, और मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड भी है, तो ऐसा ना कर। यासली परवेज कर रहा है, आई एम कमिंग टू पाकिस्तान, विल मीट यू गाइस सून, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर जब भी आए। किस आलम मंसूर कह रहे हैं किसको उठाया हुआ है शर्ट में? यार ये एक रेसलर थे, मैं दिखाता अगर आपको करीब करके दिखाऊं, दिख रहा है ये एक हाँ ये लो, ये एक रेसलर था। मेरा मैच हुआ था बहुत टाइम पहले, मेरा इवेंट मेन इवेंट के अंदर मेरा जो है वो और उस मैच के अंदर इस रेसलर से फाइट की थी, तो ये हमारे बहुत अच्छे रेसलर थे, अब हमारे साथ नहीं है, तो इंशाल्लाह क्या होगा। अच्छा नसर सर कह रहे हैं व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? जी मेरी क्वालिफिकेशन ये है कि मैंने अभी ग्रेजुएट कर लिया है, और आगे मेरा पढ़ने का बिल्कुल कोई प्लान नहीं है, और क्योंकि मैं जो है वो इस पैशन को परस्यू करना चाहता हूँ, और रेसलिंग को जो है वो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आम हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि ये जितना जल्दी हो सके हो जाए, और इसी कोशिश कर रहे हैं। अब जो है वो मेरी पढ़ाई जो है ना स्टडी, अब मैं किताबें पढ़ना छोड़ती हैं, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए मुझे रेसलिंग को पढ़ते हुए, बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन ये एक ऐसी पढ़ाई आप कह लें, ऐसी स्टडी है जो कभी ख़त्म नहीं होती, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता, तो बहुत टाइम लगता है सीखने में, 3 साल हुए हैं, अब पता नहीं कितने 30 होंगे, 30,000 साल, अब तक तो जिंदा भी नहीं बचूंगा मैं, लेकिन जब तक जिंदा हूँ ये स्टडी जो है करता रहूँगा, पाकिस्तान का जो है वो नाम रोशन करना है हमें बाहर हर जगह, तो कोशिश यही है कि हो। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, जितना हो सकता है सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग ही जो है आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह यार जो है जल्दी हम आप लोगों को इंटरनेशनल जो है प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, इस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, इंशाल्लाह दुआ करें। हमजा अमीन अवान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? PWFP अकेडमी इस्लामाबाद में है। वालेकुम अस्सलाम हमजा, कैसे हैं आप? और इसला सॉरी टू से PWFP की जो है वो अकेडमी फिर से लैग कर रही है, फिर से वालेकुम सलाम हमजा, कैसे हैं आप? के पी सॉरी टू से कि PWFP की जो एकेडमी है वो इस्लामाबाद में नहीं है, एक ही अकेडमी के अंदर, तो इंशाल्लाह हमारे प्लान्स हैं कि हम लोग जल्द ही अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पे जो है ये अकेडमी जो है वो ओपन करें, ताकि जो पाकिस्तान के ये स्पोर्ट सीख सकें, क्योंकि अभी तो हमारे पास जो है वो पाकिस्तान के हर जगह से जो है वो लोग जो है हमारे पास आए हुए हैं सीख रहे हैं, और फिलहाल अभी तो वो वापस चले गए, क्योंकि कोरोना वायरस वाला सीन है, इंशाल्लाह कोरोना वायरस जैसे ख़त्म होगा वापस आएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि जो है जल्दी जल्द ही जितना जल्दी हो सकता है ये हम कोशिश करेंगे अकेडमी जो है वो पाकिस्तान के अंदर खोली, तो आप लोगों को जो है वो आसानी हो। यासिर अली परवेज कह रहे हैं आई लव द गाय जस्ट हेयर हिम, ओके ओके कोई बात नहीं। आलम मंसूर कह रहे हैं नेट अच्छा वाला लगाओ, ब्रो 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 मेरे नेट के बारे में कुछ बोलना कुछ मत बोलना, क्योंकि तुम्हारे भाई ने आज ही खर्चा किया, आज ही नेट की जो है वो फीस भर के आया हूँ, क्योंकि सब कुछ जो है वो बंद था, शॉप्स वगैरह बंद है, तो मुझे जो है वो
फोन करना पड़ा, और वो जब जिनका जो है वो जिनसे नेट मैंने लगवाया हुआ है केबल वाला है, तो वो आए थे, उन्होंने फीस ली। और आज भाई के भाई ने जो है वो स्पीड भी बढ़वा दी है, ऑलमोस्ट 8 MB मैंने कर दिया है, और उम्मीद है कि अब जो है ये बेहतर चलेगा। लेकिन ये नेट की वजह से नहीं हो रहा ब्रदर, ये जो है आप जो कि कह रहे हैं ना, ये वीडियो लैग कर रही है, मेरी वॉइस आपको ठीक आ रही होगी, वीडियो लैग कर रही होगी, वो इस वजह से जो सॉफ्टवेयर मैं चला रहा हूँ, ये कोई भूत सॉफ्टवेयर है, ये कभी कभी ऐसा करता है। क्योंकि आजकल जो है मैं देख रहा हूँ कि जब से ये क्वारंटाइन सीन आया ना, हर कोई लाइव आ रहा है और हर कोई यही सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, तो जितना जो है वो बर्डन इस सॉफ्टवेयर पर पड़ता है उतना जो है वो स्लो होता है। लेकिन ये पिछले 2 दिन से ही ऐसा हो रहा है वैसा, जो मेरी स्ट्रीम जो है वो लैग कर रही है, लेकिन मेरी वॉइस क्लियर जा रही है, तो उम्मीद है ये जल्दी ठीक हो जाए। और मैं जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी बाय कर लूँ, क्योंकि मेरा जो है वो क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, ब्लॉक हो गया है, वो जैसे ही खुलेगा, बैंक तो बंद है, तो बैंक से मुझे निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि क्वारंटाइन के सीन के अंदर अभी जो है वो सीनियर चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि 15 दिन और बंद रहेगा, और अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, पैसे ख़त्म, मुझे जो है अब दूसरी जगह से निकलवाने पड़ेंगे। लेकिन मैंने बात तो की है, वो कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो आ जाए, तो इंशाल्लाह जैसे ही आएगा मैं इसको जो है वो बाई कर लूँगा, तो फिर उम्मीद करता हूँ फिर ये जो है वो लैक नहीं करेगा। क्योंकि अब मेरा फुल टूल जो है ये सीन है कि मैं लाइफ टाइम सीन करूँ, कि ये जब तक मैं हूँ मैं ये लाइव स्ट्रीम वाला सीन रखूँ, ताकि आप लोगों के साथ मैं जितना कनेक्ट रहूँ मुझे अच्छा लगेगा, और आप लोग मेरे साथ जितना कनेक्ट रहें, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा, मुझे वो आपने बताया नहीं कि भाई मैं ब्लॉग वाला सीन करूँ या ना करूँ, जरूर बताना ब्लॉग करूं या ना करूं। चौधरी और इकराम कर रहे हैं लाइव ज्वाइन के लिए लिंक सर। जी, हाजिर है हाजिर है हाजिर है, ये ले सर, ये ले। आप लोग कहें और मैं ना मानूं, ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये लें ये लें ये लें, लिंक मैंने जो है वो आपको दे दिया है, जिसने लाइव आना है वो आ सकता है। ऑलमोस्ट आपके पास 8 मिनट है, 8 मिनट के बाद जो है मैं अपने गेस्ट को लाइव ले आऊंगा, हमारे पास सिर्फ हाफ आवर बचेगा, और उसके बाद जो है हम लोग लाइव स्ट्रीम बंद कर देंगे ब्रो, लाइव स्ट्रीम बंद कर देंगे। वकार दनोली कह रहे हैं आप बहुत खूबसूरत हैं, खूबसूरत 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 खूबसूरत, तो छोड़ें छोड़ें सर, थैंक यू आपने जो है वो कहा, थैंक यू वेरी मच। आलम मंसूर कह रहे हैं ब्रो खरीद लें ना सॉफ्टवेयर, मैंने बता दिया आपको, पूरी स्टोरी बताई मैंने कि जो है वो क्या कैसे जो है उसमें चल रहा है, इंशाल्लाह जैसे होगा बता दूंगा। जी सिराज वैस कह रहे हैं आज को इंटरनेशनल रेसर आएगा, हो सकता है, उम्मीद रखें, हो सकता है आए, कोई कुछ पता नहीं, लेकिन काश, मैं काश कह रहा हूँ, नहीं वो क्या कहेंगे, काश नहीं, आप लोग कहें कि काश रेसलर आए, तो आएगा जरूर आए। अबुजर कह रहे हैं, अबुजर ने हमें ज्वाइन कर लिया, कह रहे हैं सलाम वालेकुम फैडी भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अबुजर, क्या हाल है आप, क्या सीन चल रहा है क्वारंटाइन का ब्रदर। अरबाब फहीम काशी कह रहे हैं गेस्ट को लाओ भाई, क्यों लाओ, क्यों लाओ भाई मैं गेस्ट को, मुझे बताएं बताएं बाप, क्यों लाऊंगा मैं, मेरा शो है, मैं अपनी मर्जी से लाऊंगा। अच्छा सॉरी, मैं जो है वो गेस्ट को लेता हूँ, मैं ऑलमोस्ट 30 मिनट जैसे हो जाएंगे तो फिर मैं जो है अपने गेस्ट को लाइव लेके आऊंगा, मैंने टाइम सेट किया हुआ है, एक टाइम पीरियड मैंने रखा हुआ है। अच्छा चौधरी मोहम्मद अकरम कह रहे हैं, इकराम कह रहे हैं लिंक क्लिक करो तो लाइक और रिप्लाई का ऑप्शन आ जाता है। नो ब्रदर नो, ऐसा नहीं है, आप लिंक को क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी, आप विंडो ओपन करेंगे आपका नाम पूछा जाएगा, आप नाम उधर डालेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे आपके जो है वो कैमराज और ऑडियो का जो पूछेगा कि आपको अलाउ करना है, आप अलाउ करेंगे, उसके बाद आपको जो है एक और विंडो ओपन होगी, वहाँ आपका लिखा हुआ आएगा कि आपको जो है एज अ गेस्ट स्ट्रीम के अंदर ऐड कर रहे हैं, फिर आप उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप मेरे से लाइव आएंगे, इतना आसान नहीं है ना लाइव आना।
हम जमीन कह रहे हैं भाई अल्लाह का करम है, मैंने एकेडमी ज्वाइन करनी है बट इस्लामाबाद में नहीं। अच्छा हाँ, इस्लामाबाद में नहीं है एकेडमी, इस्लामाबाद में एकेडमी नहीं, इस्लामाबाद में जो है वो दुआ कर। आर्टिक थंडर को कहाँ से लाऊं, मुझे आप लोग ढूंढ के आए, उसके बाद जो है मैं फिर उनको जो है वो अपने गेस्ट के तौर पे लेके आऊंगा, मुझे तो फिलहाल नहीं मिल रहे। अब सिद्दीकी कह रहे ब्रो सीन फुल बोर चल रहा है, क्लब की याद आ रही है। तो बोर क्यों चल रहा है ब्रदर, ये स्ट्रीमिंग किस लिए हो रही है, ये स्ट्रीमिंग आप लोगों के लिए हो रही है, आए आप, ये इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ कि आप, ताकि आप लोग बोर ना हो, ताकि आपका भाई बोर ना हो, मैं बोर, ये मेरी जो सेकेंड जो है वो फैमिली है वो बोर ना हो। आप लोग मेरी फैमिली है ब्रदर, आप लोग फैमिली है मेरे, आप लोग बोर होंगे तो मैं किस काम के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, इसीलिए तो आया हूँ। जाज़े बारिफ आ गए हैं, जाज़े बारिफ कह रहे हैं सलाम वालेकुम आज़े फेडी, हाउ आर यू ब्रदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, पहले से बहुत बेहतर हूँ, लेकिन जो है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा इंशाल्लाह, उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपका भाई सेट हो जाएगा और फिर आपका भाई जो है वो चिल मार के जो है वो करेगा। अच्छा मैं नोट कर रहा हूँ एक चीज़ के, मैं जो है वो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ ना आजकल, हर बात पे जो है वो जो है वो जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा इसको जो है। अब तो सीधी कह रहे हैं ब्रो इस 1 घंटे के अलावा, इस 1 घंटे के अलावा आप लोग बताओ क्या कर सकते हैं। आप लोग, हमारा एक चैनल है, ये नीचे आपको दिख रहा होगा, प्रो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब पे हमारा चैनल है, इसका जो है वो आपको मिल जाएगा, मैं लिंक भी डालता हूँ, एक मिनट मुझे दो, एक मिनट आपके भाई को जो है ना वो सर्च करना पड़ रहा है हर चीज के लिए। ये ले, ये ले, 1 मिनट, आपकी मैं बोरियत अभी दूर करता हूँ, अभी ऐसी दूर हो जाएगी ना कि आप लोग बोलेंगे कि जबरदस्त, ये काम आपने फैटी बहुत अच्छा कर दिया। आपके भाई, ये भाई शेयर कॉपी रूम और जाना नहीं, कोई भी नहीं जा रहे यहाँ से। ये ले, ये ले, ये ले, ये लिंक आपके भाई ने आपको दे दिया, ठीक है, आप जो बाकी टाइम बचता है ना, ये रहा, और ये नहीं, ये रहा, ये रहा, ये लिंक आप क्लिक करेंगे, हमारा जो है वो यूट्यूब का चैनल खुल जाएगा, उसके ऊपर हमारे जो लेटेस्ट एपिसोड है ये उसका लिंक है, आप इस लिंक पे जाके हमारे वो एपिसोड इंजॉय कर सकते हैं। टेंशन नहीं लेनी ब्रो, हर चीज़ का हल है आपके भाई के पास। अच्छा वकार तरह कह रहे हैं आपको देखकर बोरियत चली जाती है जी, नवाजिश, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, उम्मीद तो यही है, इसीलिए आता हूँ कि आप लोगों की बोरियत जो है वो चले और आप लोग जो है वो आ सकें, मुझे लोग इंजॉय करें ये सेशन, और मैंने जो है वो लिंक भी नीचे दे दिया, अगर मैं ना हूँ इस 1 घंटे के अलावा आपको क्या करना है, मैंने आपको लिंक, मैंने आपको दे दिया लिंक, एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ, ये रहा लिंक, आप इस लिंक के थ्रू हमारे यूट्यूब के चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ जाके हमारे लेटेस्ट एपिसोड जो हम लोग अपलोड कर रहे हैं वो आप लोग देख सकते हैं, देखने के बाद एंजॉय कर सकते हैं, और फिर मुझे बताएं कि उसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आपका भाई भाई बताएगा उसके अंदर आपको क्या करना है। अब्दुल सिद्दीकी कह रहे हैं यार आप तो है ही हर काम में फास्ट लेजेंड, थैंक यू ब्रो, थैंक यू वेरी मच, होना पड़ता है ब्रो, आजकल की जो जिंदगी चल रही है ना इसमें होना पड़ता है। ओके ओके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास 25 सेकेंड बचे हैं, उसके बाद जो है मैं अपने गेस्ट को लाइव लेके आऊंगा और फिर हम बात करेंगे जो हो सकती है। आप लोगों को अगर लाइव आना है, हमारे गेस्ट से बात करनी है या मुझसे बात करनी है, आप कमेंट में बताएं, आपका भाई आपको लिंक सेंड करेगा, आप उससे फिर लाइव। जी हमजा अमीन कह रहे हैं भाई आपका कॉल मिल सकता है, ब्रो आपको अगर कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, आप हमारे जिस पेज से मैं अभी लाइव आया हूँ, इस पेज से आप जब जाएंगे उस पेज पे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर को सेव कर लें
और उस पर कॉन्टैक्ट करें तो आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी। टेंशन नॉट ब्रो, टेंशन नॉट। ओके तो ये टाइम हो गया, इन थ्री ड्रम रोल प्लीज, थ्री टू वन बूम, वेलकम टीमन, वेलकम। क्या चल रहा है? ओके हेलो हेलो क्या था ये? बाय द वे वेलकम, जो है मैंने आपको वेलकम टीमन, आपने जो है हमारी लाइव स्ट्रीम में, मैं चाहता हूँ कि आप आए और आप मुझसे बात करें प्लीज। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो डीमन आप जो है वो आए और हमसे बात करें, लोग चाहते हैं कि आप बात करें, लोग सुनना चाहते हैं आपसे। उम्मीद है थोड़ी देर बाद दोबारा हमें ज्वाइन करेंगे क्योंकि गायब हो गए, इनका कुछ पता नहीं लगता कि कब आले जाते हैं। चौधरी मोहम्मद इकराम कह रहे हैं सर नहीं लिंक ओपन, यार मुझे जो है आपको करके दिखाना पड़ेगा। ये लिंक है आपको मैंने सेंड किया नीचे, आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन हो रही है, एक मिनट, ये क्या हो गया, ये देखें एक विंडो ओपन हो रही है, लिखा हुआ आ रहा है यहाँ सब कुछ, ठीक है। आप विजिट द पेज इन क्रोम, आप क्लिक करेंगे, क्लिक क्लिक हेयर है, ये क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही एक और विंडो ओपन होगी, ये विंडो ओपन हो गई, आप ये देखें विंडो ओपन हो रही है, यू आर एंटरिंग अ ब्रॉडकास्ट स्टूडियो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे, यू ज्वाइन, यू कैन, यू गेस्ट कैन ज्वाइन अदर मोबाइल डिवाइस बट यू मोस्ट फ्रॉम लैपटॉप, आप यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जो है इंटर द ब्रॉडकास्ट आएगा, इंटर द ब्रॉडकास्ट के बाद जो है आप डायरेक्ट आ सकते हैं। टेंशन वाली क्या बात कर रहे हैं यार, इतना बता देती है, अब करके भी दिखाना पड़ेगा। और एक और वजह बता दूँ कि अगर आपके पास जो है क्रोम नहीं है, क्रोम अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग जो है वो लाइव नहीं आ सकते। सबसे पहले आपको क्रोम इंस्टॉल करना है आपके मोबाइल के अंदर, क्रोम इंस्टॉल होगा तभी आप ये लिंक ओपन कर पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा। ओके हमारे गेस्ट जो है मुझे लग रहा है आ चुके हैं। जानवर कह रहे हैं वेलकम हार्डकोर डीमन चैंपियन, जी मैं अपने गेस्ट को लाइव लेने वाला हूँ, 3-2-1। हेलो फेडी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं ऐसे कुरैशी? ठीक मैं और मेरे व्यूअर्स कैसे हैं और आप कैसे हैं ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो व्यूअर्स हैं वो भी ठीक हैं, मुझे सबने बताया वो ठीक हैं। लेकिन मुझे जरा कंफर्म करें एक बात कि लास्ट टाइम भी मैंने डीमन को जो है वो अपनी ब्रॉडकास्ट के अंदर इनवाइट किया तो डीमन सिर्फ स्टार्ट में आते हैं, उसके बाद डीमन गायब हो जाते हैं और फिर आप आ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि गेस्ट जो है वो डीमन है, तो आप ऐसे कुरैशी वहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसे कुरैशी का क्या काम है? जैसे कि आप समझ सकते हैं कि डीमन जो है कि वो बोल नहीं सकता, तो जो व्यूअर्स हैं मेरे और जो आपके जो
जो फैंस हैं उनको जब वो सवाल पूछते हैं तो आप समझ सकते हैं कि डीमन तो बोल नहीं सकता, तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं उनका जवाब दे सकूँ। और मैं जैसे उनका मैनेजर हूँ, मैं उनका उनके हर सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। अगर आप कुछ बोलेंगे तो मैं उनका हर जवाब दे दूंगा डीमन का। ओके ग्रेट, मुझे बस यही कन्फ्यूजन थी और ये लोगों को भी ऐसी कन्फ्यूजन थी, तो मैं चाहता था कि ये कन्फ्यूजन जो है वो आप क्लियर कर दें, उसके बाद हम अपने सेशन को ऑलवेज जैसे होता है उसे आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन हम लेंगे लोगों से। और उससे पहले मुझे आप बताएं कि आपका सीन कैसा चल रहा है और क्या चल रहा है क्वारंटाइन के सीन में ब्रदर? बेहतरीन चल रहा है, बस क्वारंटाइन की वजह से हम लोग यहाँ पे घर पे रहे हैं, और घर पे रहना भी चाहिए क्योंकि ये जो कोरोना वायरस जो है इससे जितना आप बच के रहेंगे तभी ये उतनी जल्दी ही आपको मतलब आपको और आपकी फैमिली से दूर रहेगा। तो आप घर पे रहें, सेफ रहें, तभी आप लोग इस कोरोना वायरस को बीट कर सकते हैं, वरना जिस तरह जिस तेजी से ये फैल रहा है तो उसके लिए हम लोगों को घर पे रहना ही सेफ है हमारे लिए, वरना तो ये नहीं दूर नहीं हो पाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही कहा, ऐसे क्वेश्चन है। अबू सिद्दीकी कह रहे हैं भाई आज डीमन के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है, क्या कहते हैं ऐसे क्वेश्चन इस बारे में? मेरे को नहीं लगता डीमन के इरादे तो बिल्कुल सही लग रहे हैं। चले जैसा आप कहें मान लेते हैं, हम लोग तो बैठे हैं इसीलिए कि आपकी बात जो है हम लोग माने ना माने तो ऐसा हो नहीं सकता। फातिमा खान ने ज्वाइन कर लिया, कह रहे हैं सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप और कहां से बिलोंग करते हैं आप, मुझे जरूर कमेंट में बताएं। फेडी मेरे को लगता है शायद गायब हो चुके हैं। नहीं मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। आपको मैं किस तरह बताऊं #hardcore demon? I have the #hardcore championship because मैं उनका क्लाइंट हूं, तो चैंपियनशिप तो मेरे पास ही होगी। मैं अभी आपसे यही पूछने वाला था कि भाई आपके है वो चैंपियन की जो चैंपियनशिप है वो कहाँ है, वो आपने उससे पहले ही बता दिया, तो थैंक यू उसके लिए भी, क्योंकि मैं परेशान था कि चैंपियनशिप कहाँ है। फातिमा खान कह रही है मेरे कमेंट्स शो हो रहे हैं क्वेश्चन मार्क, जी आपके कमेंट्स शो हो रहे हैं, आपके कमेंट दिख रहा होगा आपको। फातिमा कह रही हैं सर आई एम फाइन एंड आई एम फ्रॉम लाहौर। जी वेलकम फातिमा, वेलकम टू माय ब्रॉडकास्ट और थैंक यू वेरी मच, आप लोग जो है वो आए हैं। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हैं तो आप ज़रूर पूछ सकती हैं, और कोई और मेरा भाई कोई पूछना चाह रहा है, कोई पूछना चाहता है तो ज़रूर कमेंट में बताएं, और मैं अपने गेस्ट से जो है पूछूंगा क्या क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन है ज़रूर मैं अपने गेस्ट से पूछूंगा कि क्या इस क्वेश्चन के बारे में आंसर दें। अच्छा मुझे ये बताएं कि मेरा आरजे फेडी मेरा जाने का मकसद ये है कि जैसे जी बोले बार जब मैं आया था लाइव तो एक मोटा सा बहुत ही मतलब मोटा और कुछ अजीब सा एक आदमी आके मेरे को बार बार तंग कर रहा था, तो मैं अपने जो फैंस थे उनसे मैं बात नहीं कर सका ठीक तरह से, जिसका मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता, वो आदमी आके मेरे साथ बात कर रहा है और मैं तंग कर रहा हूँ। आरजेपीडी दोबारा चले गए आई थिंक। सो अब मैं आप लोगों का होस्ट हूँ, और अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। आरजेपीडी जब तक आते हैं तो तब तक हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। आरजेपीडी कहाँ है आप? इधर है थिंक, मैं इनको वापस ले आऊंगा आई थिंक। हेलो या मैंने सोलो ले आउट दिया आपको बात करने के लिए, आप चले गए। कैसा है ये, क्या सीन चल रहा है? हेलो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आप बोले। मैंने कहा मैंने आपको सोलो ले आउट दिया क्या था कि आप बात कर सके और आप चले गए, आपकी जो है वो शट डाउन हो गई। नहीं आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम थी तभी, वरना तो मैंने बोल दिया था।
हाँ, एक कमेंट भी साथ साथ लेते रहेंगे ताकि कमेंट्स में जो है हमें फिर बोला जाता है कि हम जो है कमेंट्स ले लेते हैं। फातिमा खान कह रही हैं, वेल आई एम बिग फैन ऑफ यू सर, सो मैं आपको ही लाइव पे देखने के लिए आती हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फातिमा, आप आती हैं लाइव देखने के लिए। अगर आपने हमारे प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आप वो प्रीवियस एपिसोड भी हमारे जाके देख सकती हैं। और अगर आपने मुझे सबकी बात कर रहा हूँ, अगर आप सबने मुझे फॉलो नहीं किया तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपकी स्क्रीन पे क्योंकि ही क्लिक हो क्लिक ओके आपकी स्क्रीन पे दिख गए होंगे, आप मुझे यहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जो है ऐसे कुरेशी को फॉलो करना चाहते हैं या डीमन को फॉलो करना चाहते हैं तो डीमन बताएं कि कैसे फॉलो कर सकते हैं और कहाँ फॉलो कर सकते हैं। ऐसे कुरेशी को फॉलो करना चाहते हैं तो वो तो आप फेसबुक में आप ऐसे कुरेशी लिखेंगे तो आपको पेज मिल जाएगा, और अगर आप मेरे थ्रू डीमन करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को जरूर करवाऊंगा डीमन से बात, और जो जो आप कमेंट्स में सवाल पूछेंगे मैं उनका आप लोगों को जवाब दूंगा जो डीमन से आप पूछना चाहेंगे, और आने वाले जो शोज होंगे उसमें आप वहां से समझ सकेंगे कि भाई क्या हमारे जो शोज चल रहे हैं और जो हमारे आने वाले जो अपकमिंग बिग इवेंट्स होंगे उनके बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। और डीमन का इंस्टाग्राम में भी पेज है डीमन के नाम से, तो आप उसको वहां पे भी आप लाइक कर सकते हैं। जी थैंक यू, आपने बता दिया जो जो डीमन को फॉलो करना चाहते हैं या फिर ऐसे कुरेशी को फॉलो करना चाहते हैं वो जाके इन्हें फॉलो। और अच्छा मुझे जरा कह रहे हैं कि 15 डेज और बढ़ा देंगे क्वारंटाइन में, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? आपको शायद नेट का प्रॉब्लम। हेलो जी जी बोले। मैं नहीं हेलो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोला आर्जेबडी जी। हेलो मैं नहीं सुन पाया आपको, आपने क्या कहा? मैंने कहा आप रिपीट कर सकते हैं आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं असल में मैं भी सुन नहीं पाया कि आपने क्या कहा। मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं? यस सर। हेलो अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि आप जो है वो कह रहे हैं कि क्वारंटाइन का जो सीन है इसमें 15 दिन और बढ़ा देंगे ताकि जो है वो ये बाबा जल्दी से जल्दी कम हो, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? ये लॉकडाउन होना चाहिए क्योंकि आगे रमजान लॉकडाउन का ऐलान करते हैं 15 दिन का। सर हम लोग देखते हैं इसको, अगर ये इसके जो फ्रेंड्स हैं वो एप्स अपने डबक हैं, और तो इसलिए मैं अगर देखो है तो जो 15 डेज अब हैं तो ये एक तरह से सही भी है, लेकिन अगर हम लोग सेकंड वे से देखें तो जो गरीब आवाम है उनके लिए वो जो 15 दिन जो गुजारने वाले हैं वो भी उन लोगों के लिए बहुत, जो इन लोगों ने भी जो प्रीवियस से जो लॉकडाउन के डेज गुजारे हैं ये जो है ये भी बहुत मुश्किल से गुजारे हैं, तो ये जो बाकी के 15 दिन गुजारने होंगे ये भी बड़ी मुश्किल से गुजारे होंगे, तो इसलिए मैं यही समझता हूँ कि अगर आप लोग जब तक इसको अगर आप लोग सही तरह इस पर काबू पाना चाहते हैं तो आप लोग अपने घरों में रहें ताकि जो 15 दिन है ये 10 दिन में भी पूरे हो सकते हैं। ये 10 दिन आप लोग अगर घर में सही तरह रहें और जो इसके हिफाजती इकदाम है वो अगर आप लोग प्रॉपर करें तो आप लोग इससे बच सकते हैं, जैसे कि आप जब
कहीं बाहर जाते हैं तो वापसी आते हैं तो आप साबुन इस्तेमाल करें, तकरीबन सोप से आप 20 सेकंड तक आप लोग हाथ धो रहे हैं, और उसके बाद आप हैंड सैनिटाइजर यूज करें। अगर आप खुद अपनी हेल्प करेंगे तभी तो ये 10 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। जल्दी से जल्दी हम लोग आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये खत्म हो ही नहीं रहा, ये गवर्नमेंट सही आगे बात है। बढ़ाती इसलिए है क्योंकि ये खत्म हो ही नहीं रहा, तभी हम लोग इसको 15 दिन 10 दिन 15 दिन 10 दिन हम लोग क्यों बढ़ाते रहते हैं इसको। हमें चाहिए हम लोग इनको खुद खत्म कर रहे हैं, ताकि ये लॉकडाउन की जो मसला बना हुआ है हमारे लिए वो भी जल्द से जल्द खत्म होंगे। सही बात है। तो मुझे आप लोग भी कमेंट बताएं कि ये सीन जो है वो इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, और अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो जरूर बताएं कमेंट्स के अंदर कि आप लोग बात करना चाहते हैं, तो जरूर मैं आपको जो है वो लाइव लेके आऊंगा, आप बात कर सकते हैं, जो कहना चाह रहे हैं कह सकते हैं। अगर आप अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो लोगों को बताना चाहते हैं या क्या कहते हैं प्रमोट करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, आप बिल्कुल प्रमोट कर सकते हैं। हम जो है वो ज़रूर इस प्लेटफॉर्म से आपका जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आप प्रमोट करना चाहते हैं प्रमोट करेंगे। अच्छा, जज़े मारिफ कह रहे हैं, ऐसे कुरेशी हाउ आर यू? आई एम फाइन। जबरदस्त। उन्होंने सब कह रहे हैं डब्ल्यूएफपी कैन यू हैव प्लान टू ब्रिंग डब्ल्यूएफपी मुस्तफा इन पाकिस्तान इन फ्यूचर, दिस इज ड्रीम टू ब्रिंग हिम इन पाकिस्तान। इंशाल्लाह 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 हम लोग लेकर आएंगे जरूर, लेकिन अभी तो फिलहाल जो है वो कोई प्रोग्राम नहीं है। जब तक डब्ल्यूएफपी रिलीज नहीं करती तब तक जो है वो बिल्कुल कोई भी उनका सुपरस्टार जो है वो नहीं आ सकता, तो होप करते हैं कि जब वो रिलीज हो तो तब हम उन्हें जो है वो लेकर आए। ऐसे उम्मीद पे दुनिया कायम। हाँ मोहम्मद असद कह रहे हैं, व्हेन डब्ल्यू सी डब्ल्यू इवेंट ऑन एयर ऑन यूट्यूब? सी कहना चाह रहा हूँ, मैं डब्ल्यू सी डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू सी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन, WWE। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन जी, वो जो है यूट्यूब पे आपको जो है वो कुछ टाइम में मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को वो आपके क्या कहते हैं न्यूज़ चैनल्स पे मिल जाएंगे, आप वहाँ देख सकेंगे इंशाल्लाह। और जल्दी अनाउंस हो जाएगा, उसके लिए आप लोगों को हमारे जो है वो पेज लाइक करना पड़ेगा, पेज लाइक कर लें, हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वो इंस्टा पे फॉलो करें। आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेरे यहाँ दिख रहे होंगे, उसके अलावा आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, आप जो है यहाँ जाके भी फॉलो कर सकते हैं हमारे जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं, ताकि जो भी न्यूज़ आपको डब्ल्यू सी और डब्ल्यू सी डब्ल्यू आपने मुझे भी बता दिया डब्ल्यू डब्ल्यू सी के जी बारे में है, वो जो है आप जो है आपको जल्दी पता लग जाएगी, तो ज़रूर लाइक करें। अच्छा डीमन, ओ ऐसे कुरेशी, या अच्छा मुझे ये बताएं कि हम आपको जो है वो कब रेसलिंग में देखेंगे वापस, कब रिटर्न होगा आपका, कब मैच करेंगे आप? यार रिटर्न जो है वो मेरा जो आने वाले वक्तों में बहुत जल्द हो जाएगा, जैसे कि आप सीजन 3 में भी शायद देख सकें, लेकिन अभी तो मैं जो फोकस कर रहा हूँ वो है मेरे मैनेजर, जो मेरे क्लाइंट हैं, जो है हार्ड कोर चैंपियन है, जो कि डीमन है, उन पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि भाई वो जो बहुत ही आप जानते ही है, वो बहुत मतलब खेले डार्केस्ट किंग खेले उन्हें, वो बहुत ही एक से किसी को रहम नहीं करते वो, अगर जब रिंग में उतरते, तो मैं ऐसा मैनेजर उनके साथ इसलिए रहता हूँ ताकि वो किसी को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, तभी मैं इसलिए रिंग के आउटसाइड रहता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो डीमन है उसका नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट ये तो डीमन जो है उनका नेक्स्ट टारगेट अगर आप पूछें तो हार्डकोर चैंपियनशिप सीजन 3 में अभी इन्होंने 3 बार जो है डिफेंड कर चुके हैं डीमन, और बाकी आगे जो है वो ओपन चैलेंज देते हैं, जो ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट करता है तो वो आके इनके साथ मैच कर लेता है, और अगर देखें आगे कौन कौन ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करता है, मे बी इट्स पांडा, आर्टिक माइट, राजा नवीद और आरजे फेडी भी हो सकते हैं आई थिंक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चैलेंज जो है वो हमेशा जो है वो चैलेंजर करता है, तो यहाँ कुछ उल्टा सीन मुझे लग रहा है कि चैलेंज कौन करेगा,
चैलेंज जो है वो खुद डिमांड करेंगे कि कोई भी आके लड़ ले, ओपन चैलेंज वाला सीन कुछ ऐसा सीन है? देखें, ओपन चैलेंज तो अनाउंस होता है, जब डिमांड आते हैं तब हम ओपन चैलेंज करवा देते हैं, मैं आके अनाउंस कर देता हूँ जब ओपन चैलेंज हो जाते हैं, मैं अनाउंस कर देता हूँ, उसके बाद फिर डिमांड खुद आके रिंग में लड़ लेते हैं, जो उसको एक्सेप्ट करता है डिमांड तो ओपन चैलेंज कर देते हैं, जो उसको एक्सेप्ट करता है वो आके लड़ लेता है, वो चाहे पाकिस्तानी हो या फिर इंटरनेशनल भी हो, जो वो आके लड़ सकता है। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, हम लोग जो है वो डीमन की स्टार्ट लाइफ की बात करते हैं, तो मुझे बताएं कि डीमन के लिए रंबल कितना आसान था या कितना मुश्किल था? डीमन के लिए रंबल अगर आप देखें तो डीमन शुरुआत में एक मतलब अगर देखें तो हर इंसान एक चीज से, तो शुरुआत में जब उसके सिंगल मैचेस होए, एक टीम जो है में, उसमें उसको विक्ट्री हासिल करता गया और वो सीख लेता गया, लेकिन जो रंबल पाकिस्तान में जो हुआ लूसीफर ने डोमिनेट किया, वो जब लूसीफर उनके सामने थे तब वो थोड़े लूसीफर हैवी थे उनके सामने, WWC के कंपेरिजन करें अगर WWC के तो डीमन हैवी थे सबसे ज्यादा इन द रिंग, और अगर रंबल इन पाकिस्तान में कहें तो वो लूसीफर हैवी था डीमन के सामने, तो इसलिए वो जल्दी एलिमिनेट कर सके, और वो डीमन के लिए रंबल इन पाकिस्तान बिल्कुल अच्छी टीम था। अच्छा, मतलब मुझे जरा एक एक बात समझाएं कि रंबल इन पाकिस्तान के अंदर डीमन जो था वो इतना ज्यादा कह लें कि इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, क्योंकि हमने देखा था कि रंबल पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत जल्द जो है वो एलिमिनेट हो गया था, लेकिन हमने फिर बाद में देखा कि, पहले मुझे इसका क्वेश्चन आंसर दें उसके बाद मैं आपको सेकंड जो है उसको इसको लिंक करता हूँ सेकंड के साथ। मैं सुना नहीं, आई कैन हियर यू, दोबारा रिपीट कर लें। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जैसे देखा कि जो डीमन थे वो WWC के अंदर, WWC बोल रहा हूँ, रंबल इन पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गए थे, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह है अलायंसेस जो बनी थी रंबल इन पाकिस्तान में, जैसे एक बकरा अकेले उस लूसीफर को पता नहीं क्या चीज है वो, तो उसने अलायंस बना लिया था ओल्ड पांडा के साथ शुरुआत में, आपने देखा होगा, और मैं ये कहूंगा कि वो पांडा और डेनी और उसमें आप भी थे शायद, मेरे को लगता है, और उसके बाद थोड़ा डोमिनेट किया डीमन जी में था और फिर बाहर कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तभी डीमन को एलिमिनेट कर दिया। आपकी आवाज जो है वो सही नहीं आ रही। हाँ, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैंने कहा कि जब रंबल इन पाकिस्तान में डीमन आया तो उसको जो डाउनफॉल था वो शुरू हुआ जब एलायंसेस बनना शुरू हुई, जैसे कि एलायंसेस बनी लूसीफर ने जो बनाई डेनी पांडा और आरजे फेडी के साथ, और डीमन को एलिमिनेट किया, वो वहां से डाउनफॉल शुरू हुआ था। नहीं, मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि आपने मेरा नाम भी बीच में लिया, तो मैं आपको बताऊं कि एलायंसेस वाला सीन तो कुछ नहीं था खैर वहां पर, क्योंकि रंबल के अंदर एलायंस नहीं बना सकते। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं क्लियर करूँ आपको, आप नहीं थे वहाँ जो है, मैं था क्योंकि वहाँ आप नहीं थे, डीमन था, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ ये बात कि अलायंसेस नहीं बनी थी, क्योंकि ऐसा होता है कि रंबल के अंदर जब किसी को जो है मारते हैं तो अक्सर दो बंदे मिलकर मारते हैं, वो सडन अलायंस होती कह रहे हैं उसको आप, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अलायंस ने, मैंने बोला कि अलायंस ने मिल के, नहीं, आपने कहा कि अलायंस बना के जो है वो एलिमिनेट किया, तो आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गलत है, अलायंस बना के एलिमिनेट नहीं किया था, खैर लूसीफर ने ही एलिमिनेट किया था अकेले ने, और किसी का हाथ नहीं था बीच में, बाकी 12 जो बाकियों ने था
लेकिन उसके बाद काफी देर बाद जो है वो लूसीफर ने जो है उसको डीमन को एलिमिनेट किया था, क्योंकि मैं वहां खुद मौजूद था इसलिए मैं ये क्लियर करना चाह रहा था। क्वेश्चन ले लेता हूँ साथ। मोहम्मद असद कह रहे हैं, सॉरी सर फॉर मेनी क्वेश्चंस, प्लीज गिव माय लास्ट क्वेश्चन आंसर, कैन वी सी द एंट्रेंस स्क्रीन सीजन 3, बिकॉज आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम सीजन 2, आई एम वांट टू आई वांट टू सी इन सीजन 3। या बिल्कुल इंशाल्लाह आप जो है हमें जो है वो देखेंगे, हम लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि सीजन 3 के अंदर, सीजन 3 के मिड में या एंड के अंदर जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो है हमें एंट्रेंस स्क्रीन जो है वो देख सकें, क्योंकि आपने इंटरेस्ट हमारा जो देखा होगा, इंटरेस्ट जो है वो हमारी एकेडमी रेनोवेट हुई है अभी कुछ टाइम पहले, और बहुत ज़बरदस्त सेटअप जो है वो बन चुका है। बस बाकी जो रह गया वो एक थोड़ा सा काम रह गया, इंशाल्लाह वो जो है बाकी इंशाल्लाह हो जाएगा, बाकी इंटरेस्ट जो है वो तो बन चुका है, इंटरेस्ट स्क्रीन जो है वो आपको ज़रूर जल्दी मिल जाएगी इंशाल्लाह, कोशिश यही है हमारी। अरबाब फहीम काशी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, फहीम काशी कह रहे हैं कि कोई अलायंस नहीं थी बेटे। जी बिल्कुल सही कहा, मैंने इनको बता दिया तो मैं इनसे बोलूंगा कि ये तमीज से बात कर रहे हैं, बेटे व्हाट इज बेटे, व्हाट इज बेटे, कि बेटे क्या लफ्ज है। सही बात, बेटा बेटे मींस सन, सन सन नहीं नहीं, आई एम द मैनेजर, आई एम द मैनेजर। यस यस यू आर, यस यू आर, यू नो Darkest King, the demon. Yes, yes, I know. उसका मैनेजर हूँ मैं, तो इनको बहुत तमीज से बात करें मेरे से, बिकॉज ये नहीं डिजर्व करते मेरे से बात करना, मैं इनको मुंह नहीं लगाना चाहता अरबाब फहीम कासी को। ठीक है, ठीक है, मैं चाहता हूँ अरबाब आप जो है वो थोड़ा सा डीमन जो अलग क्लाइंट है, डीमन जिनके क्लाइंट है वो कह रहे हैं कि आप जो है वो थोड़ा तमीज से बात करें, उनको अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह करने से, और वो ना आपसे बात करना चाहते हैं, तो मैं आपकी तरफ से सॉरी कहता हूँ। अब आप कह रहे हैं तुम्हारा डीमन खासी है था, अभी इतना जल्दी एलिमिनेट हो गया था, उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। आरजे पेडी, ये जो ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है अरबाब फहीम कासी, ये एक बुरी कह सकते हैं बुरी तरबियत का नतीजा है, तभी ये ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी बोले बोले, आवाज आपकी कट गई। मैंने कहा ये जो वो क्या कहते हैं, ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं ये एक बुरी, ये एक बुरी, जी मैंने मैंने कहा है, जी जी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैंने कहा है ना कि जो है वो कांडली ऐसी लैंग्वेज है मेरे ब्रॉडकास्ट में ना इस्तेमाल करें, मैं जो है वो किसी को रोक तो नहीं सकता, पर मेरा काम है बोलना, बाकी ना सुनना है सुनना उनका अपने ऊपर है। नहीं आप मेरा फर्स्ट बताएं, ये जो इंसान है अरबाब फहीम कासी, ये जो इंसान है इनको क्या मसला क्या है, ये क्यों मेरे साथ क्या, अब देखें इनका चैप्टर बंद करें ना, इनका चैप्टर बंद करें, मैं नहीं चाहता इनको बार बार इनको लेकर आए, इनको हार्ड कर चैंपियनशिप के लिए इनको बार बार खड़े करें, बिकॉज ये डिजर्व नहीं करते हार्ड कर चैंपियनशिप के लिए, ये तो मैं अच्छा। बोलता हूँ ये जो हेड के लिए लड़ रहे हैं ये हैवी वेट को भी नहीं डिजर्व करते, इनको एक अलग से चैंपियनशिप देनी चाहिए, सोने की, ये सिर्फ सो सकते हैं बस, इनफ। उम्मीद है कि अरबाब फहीम कासी ने सुन लिया होगा ये सब। जानजेब कह रहे हैं हैशटैग व्हाट इज बेटे, लोग ये देखें आपकी बात का लोग हैशटैग भी चला रहे हैं, देखें आप ये जो है आप लोग आपको जो है लोग पसंद कर रहे हैं, ये अरबाब अरबाब का जो है वो क्वेश्चन फिर से आ गया है सर, तुम्हारे डीमन का मुंह से भारी बड़ा तो टाइटल है, बट टाइटल तो डीमन के पास ही है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है अरबाब फहीम कासी। सही बात है, सही बात या अच्छा जानदेवारी पूछ रहे कि ऐसे कुरैशी मैनेजर ऑफ डीमन या क्लाइंट,
डीमन का मैनेजर है भाई, क्लाइंट तो डीमन है, इज माय क्लाइंट, यू नो जान से वारे। सो आरजे पेटी नहीं रखते, दोबारा लाए रहो नहीं, मैं सुन रहा होता हूँ आपको, मैं बैक स्टेज पे सुन रहा होता हूँ। वो जब स्ट्रीम जो है वो लैग करना स्टार्ट करती है तो मैं जो है वो कट करता हूँ ताकि स्ट्रीम जो है वो लैग ना करे। अच्छा। जी अच्छा, तो आरजे पेटी में आपसे एक सवाल बाल पूछूं, जी, पूछे पूछे पूछे। मैं पूछ रहा हूँ, आप जब हार्डकोर चैंपियनशिप जीते थे जी, तो आपका रन कैसा गया था, आपको कितनी खुशी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रन मेरा जो जब मैंने टाइटल जीता था तो मैं मुझे बहुत खुशी हुई थी टाइटल जीतने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है मैंने कोई सेकंड अचीवमेंट थी मेरी बहुत बड़ी, बल्कि सेकंड नहीं, थर्ड 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 कह लें, थर्ड अचीवमेंट थी, क्योंकि सबसे फर्स्ट जो थी वो मेरी आपको याद हो या ना हो मैं आपको याद दिलाता हूँ, शायद 2018 के अंदर एक प्रो रेसलिंग कप के नाम से एक टूर्नामेंट हुआ था पाकिस्तान का, उसके अंदर जो है वो या मैंने वो नहीं कप है। जीता था। हाँ, वो मुझे वो मेरी फर्स्ट अचीवमेंट थी। सेकंड उसके बाद मैं जिसने जो वो किसी इंटरनेशनल के साथ पाकिस्तान के रिंग पाकिस्तान पहली बार किसी इंटरनेशनल के साथ मैच किया था, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी का प्राउड का मोमेंट था कि मैंने उस शो का क्विक ऑफ किया था, और मुझे बहुत खुशी हुई थी इस बार भी उस टाइम भी। लेकिन थर्ड टाइम जब मैंने टाइटल जीता तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है मैं वो टाइटल जीता था और मेरा रन भी जो है वो बहुत अच्छा चला था, और मैं चाहता हूँ कि आगे जो है मैं दूसरे टाइटल्स के लिए भी जाऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एक टाइटल के साथ ही स्टिक रहूँ, मैं जो है वो दूसरी चैंपियनशिप या दूसरी तरफ जाऊँ जब मुझे मौका मिलेगा। इनशाला आप मुझे दोबारा देखेंगे किसी और चैंपियनशिप के साथ, नई चैंपियनशिप के साथ, इनशाला उम्मीद है, मौके की तलाश है बिल्कुल। बस। तो आरजेएफडी, अबुजा सिद्दीकी ये जब आप टाइटल जीते जी थे बोले पर तो आपको कितनी खुशी हुई थी, जी, मैंने जैसे आपको या मैंने आपको आपको बताया कि मेरे मुझे खुशी बहुत जी बोले बोले क्या वो खुशी जो थी वो कप जीतने से ज्यादा थी या फिर कम? देखें देखें, मैं आपको बताऊं कि आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते चीज़ों को, बिकॉज दोनों चीज़ों में फर्स्ट टाइम जीता था, और मैं जो कप था वो अभी तक कोई दूसरा बंदा जो है वो नहीं जीता, तो फर्स्ट एवर जो है वो कप, और जो टाइटल था वो मैं पहली बार जीता था, तो दोनों की अलग अलग फीलिंग्स थी और दोनों के टाइम पे मैं बहुत खुश था, तो मैं नहीं चाहता कि दोनों चीज़ें कंपेयर करें। दोनों टाइम अच्छा था मेरे लिए, उम्मीद अच्छी थी उस टाइम। सो क्वेश्चन, अच्छा, अबू सिद्दीकी कह रहे हैं पांडा बेल्ट को देख देख कर जल रहा है। वो तो बहुत जल रहे हैं, उनकी जलन की बू यहां तक आ रहे हैं, बहुत जल रहे हैं पांडा। मुझे बताया कि ये आपका जो है वो टाइटल का सीन खत्म हो गया है पांडे के साथ, लेकिन पांडा फिर भी जो है वो मैं देखता रहता हूँ कि आपको हर टाइम जो है पोक करता रहता है। लास्ट टाइम भी जब आप मेरे लास्ट स्ट्रीम में आए थे तब भी यही सीन चल रहा था, ये वजह क्या है इसकी? आरजेएफडी, जैसे कि आपने देखा होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूसी में एक बिल्कुल वन साइडेड मैच था फॉर डीमन, जैसे कि आप देख रहे थे कि डीमन को पांडा नहीं हरा सकते थे, तो वो चाहते थे कि उनको पिन करें, लेकिन उनकी ख्वाहिश पहले भी अधूरी रही और सेकंड टाइम भी अधूरी रही जब उन्होंने डीमन को फेस किया, तो वो बार बार अच्छा इसलिए पिंच कर रहे हैं कि मैं उनको चैलेंज करूं कि भाई वो बार बार मेरे को पिंच कर रहे हैं कि मैं इस टाइटल को उनके लिए और डीमन के लिए, मैं बोल के लड़ लो आप, लो आप दोनों लड़ लो, आप दोनों का मैच हो जाए इस मैच के लिए, वो चाह रहे हैं कि मैं एक मैच सेट कर लूं फॉर पांडा एंड डीमन, बट मैं नहीं चाह रहा बिकॉज का चैप्टर खत्म हो गया, डीमन नए चैलेंजेस चाहता है, ना ही कि वो पुराने किससे पिटे मोटे से पांडा जैसे चैलेंज। अच्छा, सही। यो माय बडी।
जॉर्डन प्रोफेसर कह रहे हैं हाय एवरीवन, हाय जॉर्डन, कैसे हैं आप? जॉर्डन ने हमें जो है हेलो ज्वाइन कर लिया। हेलो, हाउ आर यू? ज्यादा कुछ कह रहे हैं हैशटैग पांडा, हैशटैग रंबल इन पाकिस्तान विनर। देखिए लोगों को अभी भी याद है फर्स्ट एवर पाकिस्तान विनर। लक था उसका तभी जीत गया, वरना तो नहीं। लग 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 भी था, लेकिन उस बंदे की मेहनत भी थी, मैंने जो है देखी है। क्योंकि हर हर चीज है वो लग पे डिपेंड नहीं करती सर। हर हर बंदे का ओपिनियन जो है वो अपना अपना होता है, तो आप आई डोंट थिंक सो। हर किसी का भाई वो कहते हैं ना, हर किसी का ओपिनियन अपना अपना होता है, तो किसी का ओपिनियन तो चेंज नहीं कर सकता। पर मोहम्मद असद, आज इफ यू बिकम मोस्ट पॉपुलर इन नेक्स्ट ईयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर गिविंग अस आंसर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मोहम्मद असद, आपने जो है वो ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई क्वेश्चन है आप तो पूछ सकते हैं जरूर। जानते बारिफ कह रहे हैं हैश टैग डीन जॉर्डन इज लाइव। देखें बस तो आरजे फेडी में जो कल लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था आपकी प्रीवियस, जी जी आरजे फेडी, जी जी बोले बोले, हमें सुन रहे, उसमें मैं बहुत ही मेरे को मजा आया, बिकॉज जो जॉर्डन ने उस गंजे इंसान को जो जवाब दिए, उस टकले को, किलबेन को जो जवाब दिए हैं, बहुत ही मेरे को जबरदस्त जवाब लगे। वो जो जॉर्डन ने उसको उसको जो मैं तो ये चाह रहा था कि जॉर्डन उसको चैलेंज एक्सेप्ट करता ही नहीं उसका, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जॉर्डन ने एक्सेप्ट कर दिया, बिकॉज जॉर्डन इज अ वेरी टफ कॉम्पिटिटर फॉर एवरीवन। जी सही बात है, कल का जो सेशन था वो बहुत जबरदस्त हुआ, और कल जो है वो लोगों ने बहुत एंजॉय किया वो सेशन को, तो उम्मीद है कि आगे सेशन जो है इस तरह के होते रहे। मैं चाहता हूँ कि दो तीन जो है वो इस तरह के सेशन में रखूँ, तो मजा आए लोगों को। अब्दुल सिद्दीकी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं हेलो जॉर्डन भाई क्या हाल है। ज़ादे बारिश कह रहे हैं हेलो। अच्छा अरबाब फहीम काशी कह रहे हैं ये घूम फिर कर मुझ पे आता है, मैं नहीं आता। आरजे फेडी आप गवाह हैं, मैंने उसको बीच में नहीं लाया, क्या कहेंगे मैंने उसको बीच में नहीं लाया, बिकॉज मैं तो उसको मुंह ही नहीं लगाना चाहता। वो एक ऐसा इंसान है उसको कोई मुंह नहीं लगाता, और वो हर किसी के बीच में घुस रहा होता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो बीच में आ रहा है बार बार, वाह। तो आप देख सकते हैं, और ये देखिए मैं तो लास्ट टाइम तो हर कोई अपने, जी जी बोले, बोले आपकी जो है वो आवाज कुछ इशू हो रहा है ना, आवाज आपकी जो है वो बार बार कट रही है। आई थिंक इंटरनेट का कोई मसला होगा, वरना तो नहीं। मैं ये कह रहा था कि ये जो इंसान है, ये जो मोटा इंसान है, इसने आवाम को डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश की कि भाई डीमन ऐसा बंदा है, डीमन वैसा बंदा है, डीमन डीमन ये है वो है। बट मैं ये कहना चाहूँगा आप ऐसे इंसानों का साथ ना दें जो कि खुद अपनी चैंपियनशिप बना सकें, तो वो आप लोगों को क्या सही रास्ता दिखाएगा। बिल्कुल, अगर आप प्रोफेशनल रेसलर बनना चाहते हैं तो आपको जो है वो पाकिस्तान के तरह की एकेडमी मिलेगी, वो है प्रो रेसलिंग फेडरेशन पाकिस्तान, बिल्कुल आके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो लोकेशन है वो कराची के अंदर है, कराची में आपको जो है नॉर्थ नाजाबाद में आपको लोकेशन जो है वो मिल जा सकते हैं। हमारे पेज पे जाकर कॉन्टेक्ट करेंगे, आप फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आपको कैसे आना है, क्या करना है। और अगर आपको जो है वो समझ नहीं आता तो आप मुझे मेरे पेज पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जो है बिल्कुल समझा दूँ कि कैसे आना है, किस तरह आना है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। आप चांदे बारिफ कह रहे हैं हैशटैग पांडा सुपर हीरो हाय। हाँ मिस्टेक की है चांदे बारिफ, आप लिखे हैशटैग पांडा फैटी एस हाय। अच्छा
अरबाब फहीम कासी कह रहे हैं आई डोंट केयर अबाउट यू एंड डीवन एंड इन फैक्ट फॉर दिस टाइटल। तो फिर क्यों आ रहे हैं आप बार बार हमारे इस लाइव स्ट्रीम में? नहीं जरूरत किसी को आपसे बात करने की, आप जा सकते हैं अरबाब फहीम कासी। आपको आंसर मिल गया होगा। अच्छा शेरियार फयाज कह रहे हैं पीडब्ल्यूएफपी सीजन 3 एपिसोड कब 11 कब आएगा? सीजन 3 नहीं, सीजन 2 का एपिसोड 11 जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। आप जो है हमारा सब्सक्राइब चैनल जो है सब्सक्राइब करें और हमारा पेज जो है वो फॉलो करें तो आपको जो जब भी वो अपलोड होगा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बेल आइकन जो है वो आपको जो रिसेंट जो अपलोड होते हैं वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। तो जानजेव आरिफ कह रहे हैं हैशटैग पांडा क्या आप सच में डीमन के टाइटल से जलते हो या इट्स अ र्यूमर? ये तो अरबाब फहीम कासी ही बता सकते हैं। सच में जलता है भाई, सच में जलता है, तभी तो वहां से यहाँ तक इसकी इसकी जो आग की जो तपिश है वो यहाँ तक आ रही है। ये जल रहा है मेरे इस टाइटल से, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, लुक एट इट्स ब्यूटी, देखे आपको अच्छा। शरियार फयाज कह रहे हैं पीडब्ल्यूएफपी सीजन 2 के एपिसोड कितने थे? जी सीजन 2 के एपिसोड जो है ऑलमोस्ट जी मैंने देखा मैंने सीजन 2 के एपिसोड जो थे वो ऑलमोस्ट 16 थे, शायद 16 एपिसोड हैं ऑलमोस्ट जो है वो एपिसोड 2 के, तो जल्दी अपलोड हो जाएंगे। एपिसोड 10 जो है वो अपलोड हो चुका है, जिन्होंने नहीं देखा वो हमारे यूट्यूब के चैनल पे जो है वो देख सकते हैं जाकर, प्रो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आप सर्च करेंगे तो हमारे यूट्यूब के चैनल आपको जो है वो मिल करना है उस चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो लेटेस्ट एपिसोड अपडेट्स हैं या आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए तो इंशाल्लाह आप हमारे जो जितने भी एपिसोड हैं वहाँ जाके देख सकते हैं। अबू सिद्दीकी कह रहे हैं कि फिलबेन इज द बॉल्डी एस, जॉर्डन इज द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। जी बिल्कुल, जॉर्डन जो है वो प्राइड ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए, आपके लिए भी, सबके लिए। अब आप फहीम कासी कह रहे हैं आई एम लीविंग दिस स्ट्रीम राइट अवे, बाय एस होल, बाय बाय एस होल, बाय बाय। जाजर मारिफ कर रहे हैं सुकुरशी के आप डीमन को चैलेंज नहीं करेंगे, आप चैंप नहीं बनना चाहते या डीमन से डरते हो? जी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जाजर मारिफ अभी तो मैं जो मैनेजर हूं उनका तो मैं उनको चैलेंज नहीं कर सकता बिकॉज सीरियसली मैं उनसे डरता हूं। तो जब टाइम आएगा जब मैं खुद रेसल करूंगा, अभी मैं अपने आप को उस मुकाम तक फिट नहीं समझ रहा जब मैं हार्ड कोर चैंपियनशिप को डिफेंड मतलब इसके लिए मैं लड़ूं उनके साथ डीमन के साथ, वो मैं डीमन के साथ नहीं लड़ सकता अभी हार्ड कोर चैंपियनशिप के लिए बिकॉज आई एम नॉट फिट। जब मैं अपने आप को फिट समझूंगा तो मैं बिल्कुल इस टाइटल के लिए जाऊंगा और जो भी होगा एनीवे कोई भी हो इस टाइटल के लिए, चाहे डीमन हो या कोई भी हो, मैं जरूर उनको, शायद वो मेरी बात ना सुन रहे हों डीमन, मैं उनको चैलेंज करूंगा इस बार में हार्ड कोर के बने जरूर। अच्छा अच्छा मुझे मुझे जरा कृषि ये बताएं कि आप जो है वो जब डेब्यू करेंगे तो जैसे कि जाजे बारे में पूछा कि हार्ड कोर चैंपियनशिप के लिए जाएंगे या फिर अल्टीमेट चैंपियनशिप के लिए या हैवीवेट के लिए, क्या एम है जो ऐसे कृषि का है? देखा जाए तो मैं पहले शुरुआत पे सिंगल मैचेस के लिए जाऊंगा बिकॉज चैंपियनशिप के लिए जाने के लिए आपको जर्बा चाहिए होता है, आपको पहले सीखना पड़ता है कि भाई इन रिंग क्या है, टेक्टिक्स है क्या, जो मतलब चल रहा है, जो रेसलिंग होती है वो खाली आप रेसलिंग रिंग में घुसते ही आपको सारी रेसलिंग ही आ जाती,
जब तक आप आगे वाले का माइंड नहीं पढ़ सकोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकोगे। और डीमन ने तो पढ़ के, और मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं ना ही अल्टीमेट चैंपियनशिप के लिए जाऊंगा, ना ही हार्डकोर चैंपियनशिप के लिए, मैं तो ना ही हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, मैं सिंगल्स मैच से शुरुआत करूंगा। और जब मैं अपने आप को सूटेबल इस लाइन सूटेबल समझूंगा तो मैं जरूर टाइटल के लिए जाऊंगा। मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि एक्सपीरियंस चाहिए या फिर आपने जो इतनी बात की, तो मैं क्या आपने जो है उससे पहले भी सीजन वन जो है पूरा कर चुके हैं, आप सीजन टू में भी थे अब, तो इतना टाइम तक आपको क्या एक्सपीरियंस नहीं रहा या एक्सपीरियंस भूल गए आप इस चीज़ का कि आप जो है वो टाइटल के लिए नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि एक्सपीरियंस तो आपको है या टाइटल कैसे जो है विन करना? जैसा कि आपने देखा होगा कि आरजेपीडी सीजन वन में मेरी विनिंग जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, और सीजन टू में भी इसी तरह मेरी विनिंग जैसे टेक्निक थी मेरी सो कॉल्ड डेनी के साथ, तो इसकी भी मेरे साथ बहुत ही बुरी टेक्निक रही। और मैं जब सीजन थ्री में, जब सीजन टू में जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने सोचा कि भाई जब मैं एक मैच भी जीत नहीं पाता तो मैं क्यों ना मैं अपने आप पे थोड़ा और ध्यान दूँ, तो इसलिए मैंने अपने आप पे ध्यान देना शुरू किया। और मैं अभी दोबारा से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ इन रिंग, और मैं ज़रूर अभी तो मैं मैनेजर कर रहा हूँ, मैनेजिंग कर रहा हूँ टीमन की, तो जब मेरे को चांस मिला तो मैं ज़रूर रेसल करूँगा। जब मैं अपना पोजिशन डबल समझा अपने आप को तब मैं रेसल करूँगा बिल्कुल। अच्छा अच्छा आपने जो है वो डैनी का नाम लिया, तो मुझे जरा ये बताएं जी, मुझे जरा ये बताएं कि हम क्या फ्यूचर में देख सकते हैं कि दोबारा जो है वो डैनी और ऐसे कुरैशी की टैग टीम? हाँ अगर मतलब डैनी चाहे तो मैं जरूर मैं करना चाहूंगा, बिकॉज यार जैसा कि आप देख सकते हैं सीजन टू में हमारी एक लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी, हमारी जो टैग टीम थी वो एक मैच ही जीती थी बस, और इसीलिए मैंने वो टैग टीम तोड़ी। मैं नहीं चाहता था कि भाई मैं अपने आप को एज अ लूजर काउंट करूं, मैं चाहता था एज अ विनर काउंट करूं। तो मैं डेनी के साथ रह रहे के बिल्कुल वो बिल्कुल एक तरह से बोले ना तो मैं उकता गया, तभी मैंने वो टैग टीम तोड़ी और अभी मैं चाहूंगा कि मैं डेनी के साथ दोबारा टैग टीम बनाऊँ, एक और बार चांस दूं ताकि हम लोग जैसा भी हम लोगों का चले वो। अरे फड़ी आप सुन सक रहे? जी जी मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ मैं ये कह रहा था कि वो जैसा भी हमारा रन होगा वो मैं देखूंगा, चाहे वो लूजिंग हो या फिर विनिंग हो। अच्छा मुझे आपकी जो सीजन वन की टैग टीम थी ऐसे कुरैशी और डैनी की, वो किस वजह से जो है वो टूटी, मुझे जरा बैकग्राउंड। आरजे फेडी अभी शायद आपने मेरे को सुना नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि मैं बिल्कुल जैसे आप बात कर रहे हैं कि मैं जब डैनी के साथ था तो बार बार डैनी की वजह से मैं हार रहा था, तो मेरी लूजिंग काउंट हो गई थी, तो मैं नहीं चाहता था कि अपने आप को मैं ऐसा लूजर काउंट करूं, मैं एक विनर समझता था अपने आप को। लेकिन डैनी की वजह से मैं बार बार लूजिंग स्ट्रीक मेरी चलती जा रही थी, तो तभी मैं चाह रहा था कि मैं इस टैग टीम को छोड़ दूं, और मैंने उस वक्त जो सही समझा मैंने किया। लेकिन लेकिन वो टैग टीम खत्म करने के बाद आप फिर जो है वो काफी टाइम के लिए गायब हो गए थे, वो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह तो आपको मैंने जैसे बताई ना कि मैं नहीं अपने आप को सूटेबल समझ रहा था, क्या जैसे मैंने टैग टीम तोड़ी उसके बाद फिर मेरा डैनी से मैच हुआ, और मैंने जब उससे एक मैच हारा तो मैं
जब सोच रहा था अपने करियर के बारे में, तो मैंने यही सोचा कि मैं क्यों ना थोड़ा रेस्ट लेता हूँ और दोबारा इम्प्रूव हो गया हूँ, तो तभी मैंने थोड़ा रेस्ट लिया। अभी मैं ले रहा हूँ रेस्ट और मैं एंड्योरिंग ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और जब मैं अपना आपको इस सुटेबल समझूंगा तो मैं जरूर आऊंगा। क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में जाके जो है वो दोबारा टैग टीम अगर बनती है तो टैग टीम नहीं टूटेगी? यस, अगर उसकी टेक टीम बन गई तो डेनी की और मेरी, तो इस बार मैं तो कुछ नहीं करूंगा, बिकॉज डेनी इज माय फ्रेंड। डेनी, अगर आप सुन रहे हो तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यू आर माय फ्रेंड। तो अगर आप टेक टीम बनाना चाहते हो तो मैं पहले तो अपनी इंटरिंग ट्रेनिंग पूरी करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपके साथ टेक टीम बनाने को सोचूंगा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, यस, मुझे मुझे जरा ये एक जो है वो आंसर का क्वेश्चन क्वेश्चन का जो है वो आंसर दें कि जिस तरह सीजन वन के अंदर जो है आप सीजन आई थिंक सीजन टू के अंदर जो है वो आपका जो है वो करियर एंड हुआ था, तो उसके बाद आपने काफी टाइम लंबा टाइम के लिए जो है ऑफ लिया, उसके बाद आप जो है आप दोबारा डेब्यू करने वाले हैं, तो मुझे जरा ये बताएं कि डेब्यू के बाद आप अपना बदला लेना चाहेंगे या फिर नहीं? किससे? डैनी से, डैनी से। नहीं, डेनी से मैं क्यों बदला लूंगा, क्योंकि डेनी डेनी की वजह से मैं थोड़ी छोड़ के गया हूँ पीडब्ल्यू। मैं तो इसलिए गया हूँ क्योंकि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रहा था कि भाई मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रहा था कि मैं और आगे इम्प्रूव करना चाहता था, तो तभी मैं इंडियन ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और डेनी से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है कोई, सीरियसली बट ना ही मैं वो डेनी जो की वजह से सीन छोड़ ऐसा, रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब आप छोड़ के गए तो लोग समझ रहे थे कि वो आपका जो है वो करियर एंड जो है वो डैनी ने किया, इस वजह से आप जो है वो छोड़ के चले गए हैं और वापस नहीं आ रहे, तो वो वही चीज़ थी मैं पूछना चाहता कि शायद आप जो है वापस आकर जो है वो अपना बदला लेना चाहेंगे डैनी से दोबारा, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा क्योंकि लोग जो है वो पूछ रहे थे। नहीं, डेनी ने मेरा मेरा कोई करियर एंड नहीं किया। मेरा करियर मैंने खुद ही एंड किया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अपने आप को और इम्प्रूव करूँ और रेसलिंग सीखूँ, क्योंकि मैं अभी पूरा नहीं सीखा था। सही बात बोल रहे, तो मैं चाह रहा था कि भाई मैं रेसलिंग सीखूँ, तभी मैं दोबारा मैंने लीव लिया है और मैं एक दिन दोबारा आऊँगा। और ये नहीं मेरे मेरी डेनी से कोई जाति दुश्मनी नहीं, तो मैं डेनी को पॉइंट आउट करूँ कि भाई डेनी ने मेरे को यहाँ से पीडब्ल्यूएफटी से मेरे को निकाला। नहीं, डेनी ने तो नहीं निकाला, मैं तो छोड़ रही हूँ। अच्छा, मुझे मुझे ज़रा ये बताएं कि आपके जो है वो आपने कहा कि मैंने रिटायरमेंट ले ली है, उसके बाद जो है मैं चला गया काफ़ी देर टाइम तक, तो वापस आने की वजह, वापस क्यों इस एक बार चले गए उसके बाद वापस आने का प्लान कैसे बना और क्यों बना? कोई और जगह भी आप मतलब कहीं और भी आप जा सकते थे, कोई और चीज़ पैशन भी जो है वो आप परस्यू कर सकते थे, लेकिन रेसिंग ही क्यों? आरजे फैडी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा जो पैशन है वो रेसलिंग ही है, तो मैं चाहता हूं कि मैं रेसलिंग कंटिन्यू करूं। कहीं मैं और जा हेलो, 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 मुझे लग रहा है आपकी स्ट्रीम जो है वो लैग कर रही है, तो आपकी आवाज़ जो है वो मुझे क्लियर नहीं आ रही और मैं आंसर समझ नहीं पा रहा आपका।
मेरी आवाज आ रही है आपको ऋषि? हेलो, आई थिंक कोई नेटवर्क इशू की वजह से जो है वो चले गए, और मुझे लगता है वो थोड़ी देर बाद दोबारा जो ज्वाइन करेंगे मुझे। तो मेरे जो क्वेश्चंस थे वो मैंने पूछे, और मुझे जो है काफ़ी हद तक मैं क्लियर हो गया हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे। जो क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे भी आए थे, लोग पूछना चाह रहे थे कि भाई कि डीमन जो है वो कब जो है वो किसके साथ जो है वो नेक्स्ट टारगेट क्या है उनका, तो मैंने वो भी पूछा उनके उनसे उनके मैनेजर से। उसके अलावा मैंने जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन और थे, जैसे कि अशोक कुरैशी जो है उन्होंने क्यों छोड़ा और क्यों नहीं आए, वापस आए तो क्यों, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पूछे। हेलो, यस यस, आर्य थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, वो आपकी स्ट्रीम जो है लैग कर दी, मुझे बिल्कुल आवाज आपकी समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, तो आप दोबारा सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपसे आप पूछें दोबारा सवाल। मैं ये क्वेश्चन पूछा था कि रेस्लिंग आपने जब आपने रिटायर होने के बाद रेस्लिंग ही दोबारा की चूज की, आप कोई और पैशन भी परसू कर सकते थे? तो जैसे कि आप जानते हैं कि आरजे भाई मेरा जो पैशन है वो है रेसलिंग ही है। तो और जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि PWFE के अलावा यहाँ पे पाकिस्तान में और कोई कंपनी नहीं है जो कि नंबर वन है और ना ही कि बेस्ट है। और पूरे पाकिस्तान में मैं बताना चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान ऐसे सिर्फ तीन ही टाइटल हैं, नंबर वन PWFE हैवीवेट, नंबर टू PWFE अल्टीमेट चैंपियनशिप एंड नंबर थ्री हार्ड कोर चैंपियनशिप, जो कि पाकिस्तान की तीन जो चैंपियनशिप हैं वो सिर्फ यही तीन चैंपियनशिप हैं। इसके अलावा और पाकिस्तान में ना कोई कंपनी है PWFE के अलावा, ना ही कोई चैंपियनशिप है जो कि वो कह सके कि भाई पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा हूँ या फिर पाकिस्तान के फर्स्ट और बेस्ट कंपनी कह सकते हैं ना ही किसी कंपनी को। तभी मैं PWFE में रहा हूँ और PWFE के साथ जुड़ा हुआ हूँ। भले मैं कुछ टाइम के लिए मैंने लीव लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं PWFE को छोड़ के चला जाऊँ, क्योंकि PWFE मेरी एक तरह से बोल लेंगे फैमिली है। तभी मैं PWFE के साथ रहता हूँ और आने वाले वक्तों में जो रेसलिंग जो मेरा पैशन है उसको मैं कंटिन्यू रखूँगा, और मैं एक दफ़ा दोबारा मैं रिंग में आऊँगा और इस बार कारण देखेंगे कि भाई वो कैसा रहेगा। सही, तो जो है ये क्वेश्चन थे जो मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे आए थे, तो मैंने बोला मैं कंफर्म कर लूँ ये क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, आपने जो है अपने सारे क्वेश्चन जो है उनके आंसर दिए, और जो क्राउड ने क्वेश्चन पूछे उसके लिए भी आंसर दिए। थैंक यू वेरी मच, आपका जो है वो इतना टाइम जो मैंने आपका लिया, आपने जो मुझे टाइम दिया, थैंक यू। इंशाल्लाह दोबारा जो है मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो दोबारा अपनी लाइफ पर लेके आऊँ, और अगर कोई मैसेज आप देना चाहते हैं तो ज़रूर आप दे सकते हैं। मैसेज तो मैं सिर्फ कोरोना वायरस के लिए देना चाहूंगा कि प्लीज 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 आप लोग अपने घरों में रहें, बिकॉज ये 10-15 दिन, जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि 10-15 दिन जैसे आगे बढ़ चुके हैं, ये हमारी गफलत जो आ गए हैं हमारे, ये भी इस लॉकडाउन के अंदर ये भी इस लॉकडाउन का शिकार हो चुके हैं, और जो हमारे रमजानों की जो रौनकें हैं और जो सब कुछ जो हमारे रमजानों में होता था, वो अगर आप लोग अगर घरों में नहीं रहेंगे तो एक बार फिर से लॉकडाउन नहीं होगा। और हैंड सैनिटाइजर यूज करें, सोप यूज करें, 20 सेकंड तक आप लोग हाथ धोएं, और जब आप लोग कहीं पे छींक मारते हैं तो हैंडकरचीफ यूज करें, और उसके अलावा अगर मतलब आप लोग कहीं कोई सामान लेने जाते हैं तो लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, बिकॉज ये कोरोना वायरस जो है वो बहुत ही डेडली बीमारी है। सो इसको हम लोगों ने ये नहीं कि हम लोगों ने फौज को दे दिया या फिर हम लोगों ने हुकूमत के सर पे छोड़ दिया इस कोरोना वायरस को, हम लोगों ने खुद भी इसको मिटाने का एक अगर हम लोग कदम ले लें तो हमारे लिए कोई गलत काम नहीं होगा। कोरोना वायरस को हम भी मिटा सकते हैं, अपने घर से शुरुआत कीजिए, क्योंकि ये कोरोना वायरस की जो शुरुआत होगी वो आप लोगों के घर से ही होगी।
तो आप लोग इसको खत्म करने की शुरुआत भी घर से कीजिए. स्टे होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. आपने जो अच्छा मैसेज जो है वो हमको दिया, और उम्मीद करता हूँ हम जो है वो सुने इस मैसेज को, और मैं इंशाल्लाह दोबारा जो है कोशिश करूँगा कि आपको दोबारा लाइव लेके आऊँ, और साथ में कुछ गेस्ट भी हों मेरे साथ. तो थैंक यू, मैं इंशाल्लाह अगली बार. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. तो आज के जो गेस्ट है वो आपने देखे हमारे साथ. हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट जो कल वो आपको पेज पे अनाउंस कर दिए जाएंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो है वो कल जो है वो नए गेस्ट के साथ आपसे मिलेंगे. तो आज कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा था, तो आपने अगर हमारे चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया PWF पाकिस्तान के नाम से, तो आप जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं. उसके अलावा आपने हमारा जो पेज है उसे लाइक नहीं किया तो वो लाइक कर सकते हैं आप. उसके अलावा आप जो है मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं. और कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर. और आपने मुझे जो है वो ज़रूर बताना है कि मैं ब्लॉगिंग का जो है वो सोच रहा हूँ, तो मुझे बताएं कि वो करना है या नहीं करना. तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी जो है वो कल बात करेंगे इस बारे में. तो इंशाल्लाह 10 बजे जो है कल मुलाकात होगी. इस टाइम आप लोग जो है वो मैं उम्मीद करता हूँ 10 बजे तक जो है वो वेट करेंगे, उसके बाद 10 बजे आप मुझे ज्वाइन करेंगे. और मेरा 1 घंटे का सेशन होगा. आज जो है वो ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर हो गया, 1.5 घंटे का हो गया, क्योंकि पता नहीं लगता टाइम का. तो इंशाल्लाह जो है वो कल मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखें, और जो मैसेज दिया टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.